हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्री और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक नॉनवेज रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है मटन कीमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मटन कीमा की रेसिपी। मटन कीमा बनाने के लिए हमको ये सारे कुछ सामान चाहिए। यहाँ पे हमने हाफ कप मटर लिए हैं। मटर यहाँ पे हमने फ्रोजन मटर लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमको चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके प्याज, टोमेटो प्यूरी, लेमन जूस, धनिया के पत्ते, बटर, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, जीरा, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये है आपका होल गरम मसाला। और उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, और ये है आपका मटन कीमा जो कि मार्केट से लाए थे। अभी हम तेल लेंगे थोड़ा सा कढ़ाई में रिफाइन ऑयल। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून बटर डालें, होल गरम मसाला डालें, थोड़ा सा इसको भून लीजिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कटा हुआ प्याज। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज लिए हैं। अभी हमको ये प्याज को धीमी आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर हम ये सारे मसाले को फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम ये मसाले को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद 2 मीडियम साइज का टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी हमको ये मसाले को धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए उतना टाइम तक आपको फ्राई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और फिर अभी हमको ये मसाले को अच्छे से भूनना है, और उसके बाद जो हम मटन कीमा रखे थे उसको डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और धीरे धीरे करके मसाले के साथ मटन को डालेंगे और मिक्स करेंगे। अभी हमको ये मटन को पकाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये धीरे धीरे ही पकेगा, इसीलिए हमको बार बार ढक्कन लगाकर इसको पकाना है। 10-10 मिनट के बाद हम इसको फिर चेक करेंगे। और यहाँ पे करीब 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए चेक करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन से थोड़ा सा पानी निकल आया है, बट ये अच्छे से पका नहीं है, इसीलिए और थोड़ा सा इसको पकाना है। तो इसीलिए मैं और थोड़ा सा इसको ढक्कन लगा के सीम में पका लेती हूँ। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मटर, जो कि फ्रोजन मटर है, उसको डालेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पकने के लिए हम इसको छोड़ेंगे, इसलिए हाफ कप करीब हमने पानी डाले हैं, और ढक्कन लगाएंगे, फिर अच्छे से इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम एकदम सीम पे रखिए। और यहाँ पे आपका ये जो मटन कीमा है एकदम रेडी हो चुका है, क्योंकि तेल ऊपर आ चुका है और हमारा ये जो मटन है अच्छे से पक भी चुका है। तो इससे ज्यादा हमको मटन को और पकाना नहीं है। लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया के पत्ते और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। ये दोनों चीज आप जरूर यूज कीजिए, ये डालने से मटन कीमा का टेस्ट दुगना आता है। फिर अच्छे से इसको मिक्स करें। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, लेमन जूस, फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये जो मटन कीमा है अच्छे से बन गया है। अभी आपको थोड़ा सा सीम पे ऐसे ही छोड़ना है, जैसे कि ये थोड़ा सा पानी निकल आएगा इससे, और थोड़ा सा तेल भी ऊपर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर और लुक्स एकदम चेंज हो चुका है, और ये बहुत ही डिलीशियस है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे आपका मटन कीमा एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, मटन कीमा बनाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगता है, क्योंकि ये धीमी आंच पे पकता है और थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 45 से 50 मिनट ही लगता है धीमी आंच से इसको पकाने के लिए। और ये अच्छे से नरम होने के बाद आप इसको निकालिए, और यहाँ पे आपका मटन कीमा एकदम रेडी है। इसके साथ आप रोटी, पराठा सब भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये रेसिपी फ्रेंड्स पसंद आई है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। राइट साइड पर जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करें, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए रहती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।